है तो एक नॉर्मल सा हैंडल, बट यहाँ पे इतने पे ये एक्सीलेटर लगा हुआ है जो कि लोगो यहाँ पे ओला का लिखा हुआ है और अभी नहीं है भाई, क्योंकि अभी जस्ट आगे पूजा हो रखी है पूरी भाई। और ये स्कूटी आप देखो, अब मैं सही कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ ओला का लोगो, पावर बटन और चार्जिंग है। और भाई ये इतने से मुझे पता नहीं है, और ये डीपर का होगा, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, हॉर्न, स्पीड का होगा शायद, आई थिंक अब कल आजकल की जो बाइक्स वगैरह हैं उस पर रिवर्स गियर ऑटोमेटिकली आने लगी है, जैसे कि हमारी 1250 जैसे कि बाइक है BMW, उसमें भी आता है। यहाँ पे एक छोटा सा USB केबल दे रखा हुआ है जो कि मोबाइल चार्ज के लिए, वहाँ पे मोबाइल होल्डर और इस तरफ कुछ, बाकी फुटरेस्ट इसमें मज़ेदार है। एंड बाकी अपना रॉनी यादव व्लॉग्स भी चैनल मज़ेदार है, सो अगर रॉनी यादव व्लॉग्स को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, और लिंक में एक फेसबुक पेज पे जाके उसे भी फॉलो कर लो। और खड़ी है बस ऐसे ही, बाकी ये एक बैटरी की साइकिल, पावर बटन, माइनस और लाइट मैनेज, लाइट अच्छा हाँ ये लगी हुई है, यहाँ पे लाइट लगी है, आगे पे टिस है, ये इसकी बैटरी यहाँ पे होगी, मोटर में बोलने जा रहा था लाइक इंजन टाइप की नो, एक्सीलेटर, ये अंकल हॉर्न है, ये स्विच है, अच्छा डर का रहे हो, YouTube पे ब्लॉग बना रहे हो, हाँ इसका बैटरी मोड अच्छा। अच्छा अंकल ये ऐसे खड़ी रहती होगी तो कोई भी उठा के ले जाएगा? हाँ। ले जाए। ओ वाह भाई, पूरी बैटरी वाली बाइक हो रही है, और लिटली पैंडल मारने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही राइड अपनी हो जाएगी। अभी तो फिलहाल रिया के लिए साइकिल देखी जा रही है, रुक जाए, अरे हम ऐसे कर ये देखो, मैं मतलब अब इसको टर्न कर लेता हूँ, और यहाँ पे पावर की सेटिंग्स हैं, पैंडल नहीं मार रहा हूँ, चलती जा रही है ये छोटा सा, सो मैं दिखाता हूँ, है तो एक नॉर्मल सा हैंडल बट यहाँ पे इतने पे ये एक्सीलेटर लगा हुआ है जो कि बढ़ा रही है। चल के जल्दी से रिया की साइकिल फाइनल करते हैं वरना रिया को फिर प्रॉब्लम होगी, और इसको तो चलाने में मजा आई है। यही तो दबाने से ऑफ होगी ना अंकल, इसको आप दबा देंगे ये ऑफ हो जाएगा ये। अच्छा दबा देंगे और एक बार दबाएंगे तो ऑन हो जाएगी, मैंने सोचा सिर्फ दबाए रखने से ऑन, इसको ऑन करने के लिए पहले इसको दबाना पड़ता है। अच्छा ये ऑन हो गया जी, अभी आपका ऑफ हो गया, और अगर इसको मीडियम और हाई में लाना हो? मीडियम हाई। अच्छा ये बटन किस लिए अंकल? ये मोटर के लिए है, जैसे कि ये है, इसको अगर हम बटन दबा दिए हाँ ये नहीं चलेगी, तो इसको बटन को दबाएंगे ग्रेटर लगे तभी चलेगी। ओके ओके, तो ये बटन इसके लिए है। चलिए थैंक यू, लाइट दिखा, नहीं जली अभी, हाँ जल गई जल गई। सो अंकल इसका प्राइस क्या होगा? ये 45,000। एक बाइक के रेंज में है बट फायदा बाइक का ही देती है, आराम से ले लड़ी कई कह रहा है भाई, मैं एप्पल का मोबाइल ही चलाते हुए रह गया, और यहाँ पे एप्पल की साइकिल भी है, एप्पल की कार आ गई है सॉरी, और ये ऊपर एंड लॉक, मर्सिडीज, टोयोटा लैंड रोवर, लैंड क्रूजर। लो भाई साइकिल आई और अब सीखने भी लगी, रिया की साइकिल शॉप से लेने के बाद वहाँ से सीधा गए घर, रिया की साइकिल का पहला उद्घाटन मैंने किया, डिलीवरी इसकी मैंने ही रिसीव की, घर लेकर गया, लाने के बाद दीदी ने कहा कि भैया केक का ऑर्डर दे दो, प्रॉब्लम ये थी केक का ऑर्डर मैंने दिया नहीं, और मैं केक लेकर जा रहा हूँ अभी, जस्ट 20 मिनट पहले मैंने फ़ोन किया था, हालाँकि मैं बेकरी से सीधा केक लाता हूँ, वहाँ 20 मिनट में वो रेडी हो गया, हो उन्होंने कहा था कि 20 मिनट में मैं रेडी कर दूँगा भैया ने,
तो देखते हैं चल के। वैसे शॉप तो आ गई है सच में भाई, पूरा 20 मिनट में उन्होंने मुझे केक रेडी करके दिया। मैं जैसे ही गया मैंने कहा कि भैया मेरा केक, कहते हैं हाँ भाई रेडी हो चुका है, बस फ्रीजर में लगा, थोड़ा सा और ठंडा हो जाने दो। लिटली गाइस नीचे रखा होगा और गाइज रूम टोटली रेडी हो चुका है और ऊपर एक बैलून लग चुका है। इतने सारे बैलून ही किए गए बिकॉज दीवार पे मुझे लगाने नहीं थे। पोपट होने से बच गई। खाओ सुनो कार में चलो, मैं बोले कह रहा हूँ भैया दे दीजिए। एक ये फैमिली पैक का ले लिया बटर स्कॉच और लिटली भाई बहुत अमेजिंग शो था। सो अब चलते हैं घर। तुम्हारी आइसक्रीम तुम ही नहीं खा रही, हम खा ले रहे 100 रुपए की एक कोन है, जो कि पता है एक टाइम पे हम लोग 7-7 रुपए में खाते थे ये कोन, बट तुम्हारे लिए कुड़की से स्पेशल आई है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, फॉलो मी ऑन Facebook पेज एंड Instagram। फुल डे का जो भी सीन था भाई वो आप लोगों के सामने आ चुका है। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि भाई लिटली वाट लग जाती है। सुबह से अभी शावर लिया और अब ब्लॉग को एंड कर दिया। ब्लॉग जाके अभी तुरंत एडिट कर दूंगा या फिर अब नहीं एडिट करूंगा बिकॉज अभी जस्ट एडिट करके बस अपलोड पे लगा दूंगा ताकि कल सुबह 7 बजे आप लोगों को ये वाला ब्लॉग मिल जाए।